कुछ चाहिए तुम्हें? क्या ढूंढ रही थी? वो बड़ी माँ शादी का एल्बम, मुझे लगा यही होगा। सॉरी, आपसे बिना पूछे आपके कमरे में आ गई। ओहो, मेरे कमरे में आने के लिए मेरी परमिशन पूछने की क्या जरूरत है? ये कमरा भी तो तुम्हारा ही है। तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो, और हर चीज पर अब तुम्हारा भी हक है। ये फोटो कैसे? माँ बाबा की फोटो, ये फोटो मेरे पास कैसे? यही सोच रही हो ना तुम? मैं बताती हूँ। दरअसल बात यह है कि उस वक्त डाकू आए थे ना, जब तेरी शादी हो रही थी, उस वक्त तेरे कमरे में कुछ तस्वीरें थी। ये तस्वीर मैंने उठा ली थी यही सोचकर कि बाद में मैं तुम्हें दे दूंगी, पर मुझे नहीं पता था कि तू मर गई थी। अब रख ले बेटा, इसे तू रख ले। रुक जा, रुक जा। शादी का एल्बम लेने आई थी ना, वो तो लेती जा। ये तुम कितना ही छिपा लो, पर आज नहीं तो कल मैं तुम्हारे अतीत का हर पन्ना खोल के रहूंगी, जान के रहूंगी मेरे माँ बाबा से क्या रिश्ता था तुम्हारा। Excuse me. वैसे रॉकी का कमरा कहाँ पे? जी आप? मैं एडवोकेट श्रीवास्तव, कुछ पेपर साइन करवाने हैं। रॉकी, मिस्टर श्रीवास्तव तुमसे मिलने आए हैं। श्रीवास्तव? हाय, एडवोकेट श्रीवास्तव। हाय, हाउ कैन आई हेल्प यू? विषय अमर की विल है और आप उनके नॉमिनी हैं, साइन चाहिए। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, आइए, प्लीज हैव अ सीट। Do you have a pen? Yes, sure. कोई इच्छाधारी नाग नागिन तेरे सामने रूप बदल के आएगा, तुझे पता चल जाएगा। उनके सिर्फ नाखून देखना, नीले होंगे। लास्ट पेज पे साइन करना है। थैंक यू, थैंक यू। तो यहां है, फिर वो आदमी कौन है? सुनिए, वो आपके कुछ पेपर्स बेडरूम में ही रह गए हैं, ले लीजिए प्लीज।
कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? क्यों आए हो यहाँ? तुम कौन हो? मैं जानता हूँ कि तुम एक इच्छाधारी नाकेदारी नाके तुमने अमर को मारा, अमर को मारा, और वो भी बहुत बेरहमी से। देख बता कि कौन है तू, नहीं तो एक नागिन का काटा पानी भी नहीं मांगता। बता कौन है तू? इच्छाधारी नाग हो? हाँ, इच्छाधारी नाग रूद्र। मेरा भी वही मकसद है, इंतकाम। इंतकाम? किसका इंतकाम? मेरी पत्नी की मौत का इंतकाम। वो भी एक इच्छाधारी नागिन थी। आज भी मुझे याद है वो पूनम की रात। परसों बाद हम दोनों का मिलन होना था। वो रात सौ साल की तपस्या के बाद मुझे आज ये इच्छाधारी रूप मिला है। मिलन की रात आई है, मैं आई हूँ, तुम आए हो, और अब कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा। क्यों मारा तुमने मुझे धक्का? नहीं, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। बदला लूंगा, मेरी पत्नी की मौत के कातिल से बदला लूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा।
सर सर 10 दिन हो गए मुझे मेरी बीबी की कंप्लेंट किए और आप लोग कुछ नहीं कर रहे। उसने मेरी बीबी को कुचल दिया। अरे सर कुछ कीजिए आप लोग। तुम मुझे सिखाओगे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, है? ले जाओ इसे। अरे इंस्पेक्टर साहब देख मेरी बात सुन, लो निकच परिवार का बंदा है, तेरा यहाँ कुछ नहीं हो सकता, बेकार में चक्कर काट रहा है, चलो जल्दी। छोड़िए आप लोग मुझे। मैंने उसे सजा दिलाने की बहुत कोशिश की लेकिन इस परिवार ने उसे बचा लिया और तभी मैंने सोच लिया कि मैं इस पूरे परिवार से बदला लूंगा। उस दिन जब मैं मंदिर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरा बदला तुम ले रही थी, तो तभी मैंने ठान लिया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और फिर मुझे एडवोकेट श्रीवास्तव दिखा। सुनो ये लेखन जाओ उसका है। मैं भी वहीं जा रहा हूं। तो क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हैं? जी चलिए चलिए आइए। किस काम से जा रहे हैं आप वहां? कुछ पेपर साइन करवाने। तुम निर्दोष हो इसलिए निंद्रा विष दी है। हम दोनों का दुश्मन एक, मकसद एक, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की ताकत बन जाएं? मैंने अपने माँ बाबा को खोया है और तुमने अपनी पत्नी को। तुमसे मदद तो ले ही सकती हूँ। एक नाग और एक नागिन के इंतकाम से अब कैसे बचेंगे ये लोग? आज मौसम बड़ा अच्छा है तो चलिए ना कहीं घूमने चलते हैं। इन सबसे बदला लेना है मुझे, किसी भी तरह से मुझे इस घर में रहना होगा, पर कैसे?